भारत बंद के आह्वान पर हमीरपुर में असर ही देखने को नहीं मिला। वहीं किसानों के समर्थन में जिला कांग्रेस के द्वारा बाजार में रैली निकालकर प्रदर्शन किया गया तो डीसी कार्यालय के बाहर भी काफी देर तक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार हल्ला बोला और किसान बिल को वापस लेने की मांग की। वहीं सीटू कम्युनिस्ट पार्टी के कार्यकर्ताओं ने भी बाजार में रैली निकाली और गांधी चौक पर काफी देर तक केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। इस अवसर पर सीटू कार्यकर्ताओं ने किसान बिल को वापस लेने की मांग की। कांग्रेस के प्रदर्शन में जिला कांग्रेस अध्यक्ष राजेंद्र जार की अगुवाई में प्रदर्शन किया गया तो सीटू का धरना प्रदर्शन सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर के नेतृत्व में किया गया। हमीरपुर जिला कांग्रेस के अध्यक्ष राजेंद्र जार ने कहा कि अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के आह्वान पर सभी जिला व ब्लॉक इकाइयों के द्वारा किसान आंदोलन के समर्थन में धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि इसी के चलते हमीरपुर कांग्रेस इकाई ने बाजार में रैली निकाली है ताकि जनता को भी किसानों के साथ हो रहे व्यवहार का पता चल सके। उन्होंने कहा कि इस कानून से किसानों का हित नहीं होने वाला है, इसलिए इस बिल को तुरंत वापस लेना चाहिए। आज जो 8 दिसंबर को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी और प्रदेश कांग्रेस कमेटी से ये सभी जिला और ब्लॉक इकाइयों को ये आह्वान किया गया है कि वो किसान आंदोलन का समर्थन करें और जो किसानों ने कॉल दिए है आज भारत बंद की उसका पूरा समर्थन करें और उस उपलक्ष्य में अपनी तरफ से इस तरह की प्रोटेस्ट रैलियां जो आज हमने की और ताकि जनता को भी पता लगे कि किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार ये मोदी सरकार कर रही है। और जहाँ तक प्रश्न है इन काले कानूनों का, उससे बिल्कुल भी हित होने वाला नहीं है किसानों का, बल्कि किसान दुविधा में फंसने वाले हैं। पर मोदी जी स्वयं इसके झूठे लाभ बताकर किसानों को बरगला रहे हैं और इसके विपरीत वो किसान और वो कांग्रेस और विरोधी पार्टियों पर ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि वो इन कानूनों के बारे में किसानों को गुमराह कर रहे हैं, जबकि वो स्वयं प्रधानमंत्री होते हुए इन कानूनों का जो लाभ है उसका झूठा प्रचार कर रहे हैं। वहीं हमीरपुर बाजार के पूर्ण रूप से खुले होने पर राजेंद्र जार ने कहा कि जहां जहां पर भाजपा की सरकारें हैं वहां पर व्यापारी वर्ग को निर्देश दिए हैं कि अपने संस्थान खुले रखें। उन्होंने कहा कि सरकार के निर्देशों के अनुसार और प्रभाव के चलते ही हमीरपुर में बाजार में भारत बंद का असर नहीं देखा गया है। जो आह्वान था वो तो बिल्कुल साफ नजरों में दिख रहा है, बिल्कुल खुला है, क्या कहेंगे? अब इसमें ऐसा है कि जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकारें हैं तो इन्होंने बिल्कुल निर्देश दिए हुए हैं अपने विभागों को भी और अपने लोगों को भी। जितना व्यापारी तबका है उसमें से बहुत सारे भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं, तो इस वजह से हिमाचल, क्योंकि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इस वजह से सरकार के निर्देशों के अनुसार सरकार के प्रभाव ने अपने प्रभाव से इस जो हमारा भारत बंद का लक्ष्य है इसको कहीं ना कहीं अड़चन पैदा करने की कोशिश की जा रही है। वहीं सीटू राष्ट्रीय सचिव कश्मीर सिंह ठाकुर ने कहा कि 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों के आह्वान पर भारत बंद का समर्थन कर रही है। उन्होंने कहा कि किसानों के न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप देना और जमाखोरी के कानून को खत्म किया जाना चाहिए। हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं, हड़ताल नहीं है, हमारी तरफ से हड़ताल नहीं है, हम किसानों का समर्थन कर रहे हैं और हम ही सीएटू नहीं कर रही, बीएमएस को छोड़कर 10 जो केंद्रीय ट्रेड यूनियन हैं वो भी इसका समर्थन कर रही हैं। ट्रक ऑपरेटर्स जो है पूरे देश का जो बॉडी है वो तो सीटू नहीं है, वो लोग ही समर्थन कर रहे हैं। बहुत सारे लोग जो है जो जेन्युइन है, प्रकाश सिंह बादल भी कर रहा है, एक्टर भी कर रहे हैं, दोसांझ जो है फिल्म एक्टर है उसने तो 1 करोड़ रुपया दिया, इस तरह से बहुत सारे लोग जो है इंग्लैंड में लेबर पार्टी के एमपी कर रहे हैं, कनाडा का प्राइम मिनिस्टर कर रहा है, तो दुनिया में जहां जहां पंजाब के लोग, हरियाणा के लोग, हिंदुस्तान के लोग बसे हैं, अमेरिका में वहां भी प्रदर्शन हो रहे हैं इन्हीं किसानों के समर्थन, तो लोग समझ रहे हैं ये सारा किसान विरोधी तो है ही है, जनता विरोधी भी है, इसलिए सारे लोग इसका विरोध कर रहे हैं।
उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में महंगाई बढ़ेगी और जो लोग इसे महसूस कर रहे हैं वे किसान आंदोलन का समर्थन कर रहे हैं, लेकिन जो लोग इसको महसूस नहीं कर रहे हैं वे बाद में इसका समर्थन करेंगे। उन्होंने लोगों से आग्रह किया कि किसानों का समर्थन करें और इस कानून को ठंडे बस्ते में डालकर किसानों से बात करके इसका हल निकाला जाए। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियन के आह्वान पर और किसानों की संघर्ष समिति के आह्वान पर आज CITU भी किसानों के समर्थन में भारत बंद का समर्थन कर रही है और गांव-गांव से लोग यहां हैं। मुख्य मांग ये है जो किसानों का है, न्यूनतम समर्थन मूल्य को कानूनी रूप दो। दूसरा है जो अनाज में जमाखोरी का कानून जो है उसको, जो आपने बहुत लिमिट खत्म कर दी उसकी, उसको खत्म करो। जमाखोरी का कानून पहले अच्छा था, अब सरकार ने कोई सीमा नहीं उसके रखी। इसलिए खेती में कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग जो है, पंजाब का किसान इसलिए नहीं चला गया, वो इसका पीड़ा झेल रहा है कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की, इसलिए जो है उसके खिलाफ है। अनाज मंडियां आप खत्म कर रहे हैं, उसकी जगह कॉर्पोरेट सेक्टर को, दूसरे सेक्टर को बढ़ावा दे रहे हैं। ये सारा किसान विरोधी तो है ही, ये मजदूर विरोधी भी है और आम जनता विरोधी भी है। अनाज में जमाखोरी के कानून में कोई सीमा ना रखने से बाजार में कृत्रिम कमी पैदा कर दी जाएगी, बनावटी कमी चीज़ों की पैदा कर दी जाएगी और उससे सारी चीज़ों के दाम बढ़ेंगे, आम जनता उससे बेहाल हो जाएगी, महंगाई बढ़ेगी उससे। इसलिए जो लोग इसको महसूस कर रहे हैं उसका विरोध कर रहे हैं, जो अभी नहीं कर रहे हैं वो अभी नहीं कर पा रहे, आने वाले समय के अंदर सारा विरोध करेंगे।